आपने देखा अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन आउट कर दिया, एसएससी ने बता दिया कि भाई तुम अभी फंसे हुए उधर उधर की बातों में, हम नोटिफिकेशन निकाल के 75,000 लोगों को नौकरी भी दे देंगे और तुम यहीं रह जाओगे। भाई कह रहे हैं पढ़ ले बेटा, ये वक्त फिर नहीं लौटेगा, सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा, कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपे आ जाएंगे हाथों में, यहाँ लोग तुम्हारे इमोशन से खेलते रहेंगे, मुद्दे से तुम्हें भटकाते रहेंगे। आप सोच रहे हो अभिनय शर्मा नहीं आया यार कंट्रोवर्सी में, अभिनय शर्मा एक बार कह गया, अभिनय शर्मा को पता है कि ये जो लोग है ना ये तुम्हें सिर्फ भटकाएंगे, ऐसा है वैसा है, इतनी लंबी लंबी बातें कर देंगे कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया बात तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट कौन जाता है सीधे, ये मुझे समझ में नहीं आता। वो भी सीधे 15 करोड़ की मानहानि करेंगे। मैंने सुना है कि अगर 15 करोड़ की कोई मानहानि करे तो पहले 10% जमा करना पड़ता है। अबे भाई एक बात बताओ, नोटिफिकेशन से पहले एक छोटी सी बात भाई, तुम 90% अपनी इनकम का दान कर देते हो, 90% का मतलब 9/10 होता है, और इसका मतलब कि तुम्हारे पास 1 बचता है, 9 रुपए का मतलब तुमने 36 लाख के स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि तुमने दान कर दिया, 1 रुपए का मतलब कि तुम्हारे पास केवल 4 लाख बचे हैं, तो तुम कैसे केस करोगे, बिना मतलब की चीजें। एक तरफ तुम कह रहे हो कि सब टीचर जितने मैं उससे बहुत ऊपर निकल चुका हूं, बहुत पैसा कमा चुका हूं। एक्चुअली क्या होता है कि एक मेढक होता है, वो तालाब में रहता है, कुएं में रहता है, उसको लगता है यही दुनिया इतनी बड़ी है। और दूसरे लोगों के बारे में कहना कि कोट बदल के आ रहा है, जूते पहन के आ रहा है, यार तुम जस्ट बच्चे हो क्या? अबे शौक होते हैं आदमी के, दिल बड़ा रखना पड़ता है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे खुद के नाना के पास कई करोड़ रुपए थे, जिंदगी में कभी बाहर का खाना नहीं खाया, वही जीवन का, ना कभी जीवन में कहीं घूमने गए, 1-1 रुपए के लीचड़पन में पूरा जिंदगी गुजार दी। तो ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए कलेजा चाहिए होता है। और बात करते हैं, हम बहुत डोनेशन करते हैं, हमने कभी दिखाया नहीं। अरे यार क्यों इतनी झूठी बातें बोलते हो? सबसे पहले तुमने ही दिखाया था कोविड में 5 लाख का स्क्रीनशॉट लगा के, अभी भी अगर तुम्हें ना पता हो तो अपनी कम्युनिटी में जाके देख लो। ये सब बातें करने से कि मैं ये करता हूं वो करता हूं, किसी ने तुमसे पूछा कि तुम दान करते हो नहीं करते हो? तुमसे लोगों ने इतना पूछा था, और हमने भी, कि अगर कोई टॉपर खरीदा है तो बता के माफी मांग के बात खत्म करो। जब वो टॉपर तुम्हारा है, बच्चा है, तो तुम उसको आज भी क्लास में लाके ये दिखा सकते थे कि भाई सुनो ये बच्चा अब आपके सामने आ गया है, बिना मतलब की इनलॉजिकल बातें कि उस टॉपर से जबरदस्ती ये बुलवा दिया गया कि वो बिकाए। वाह वाह भाई कमाल है। इसी बीच खैर कोई बात नहीं, अभी दोबारा इस टॉपिक पे आएंगे और इनकी गणित की भी धज्जियां उड़ाएंगे। वैसे ये परसेंटेज 40 क्लास में पढ़ाते हैं, वैसे ये कहते हैं कि 90% इनकम का दान करते हैं और दान 36 लाख का दिखा के 9 की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 4 लाख इनको दिखती नहीं है। और इनको क्या लगता है, तुमने अपनी माँ को कार दे दी और हम क्या है घास छील रहे थे? तुमने तो ये भी बता दिया, हम तो ये भी आके नहीं बताते हैं, दिखाओ हमारे एक भी यूट्यूब वीडियो में कि हमने माँ को क्या दिया और नहीं दिया और बाप को क्या दिया और नहीं दिया। तो ऐसा किसी और के बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लो। एक आदमी जो तुम्हारे बारे में कहते कि तुम कितने सही आदमी हो, इसलिए बिना मतलब की बात है आज से हमारे बारे में मत कहना। हमने लोगों के साथ काम करके उनका दिल जीता है, पढ़ा के 4 साल से तुम कहां थे? जब तुम परसेंटेज की बात करते हैं भाई साहब कि मैंने सबसे पहले यूट्यूब पे पढ़ाया था, तुम 50 रुपए में अपना वीडियो बेच रहे थे यूट्यूब पे भी उस टाइम पे। वो यूट्यूब पे पढ़ाना कहते हैं, लोग यहाँ पे गवाह है बता देंगे कि तुम 50 रुपए में वीडियो बेचते थे यूट्यूब का, कि जो उसको ज्वाइन करेगा उसको वीडियो देखने को मिलेगा, और बात करते हो। खैर कोई बात नहीं, एसएससी ने इसी बीच नोटिफिकेशन निकाल दिया, इन सब पे एक लंबी बात होगी, लंबी बात हम लेके आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। अब मैं सच बता रहा हूं, अगर मेरे बारे में बिना मतलब की बातें ही तुम कर सकते हो, सही बातें तो तुम्हारे पास है नहीं, क्योंकि जिसने सच हमेशा जिया, जिसने हमेशा ईमानदारी रखी, उसको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। और रही बात 2017 वाले मामले की, तो तुम जैसे लोग तो सीबीआई को पेन ड्राइव में वीडियो डाल के देके आ पाए थे अभिनय शर्मा का, क्या तुम बाल भी उखाड़ पाए या कभी जिंदगी में भी कर पाओगे कुछ? क्योंकि जो सच्चा होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारी शकल बता रही है कि तुम रो रहे हो, कहते हैं ना कुछ इस तरीके से, बर्बाद हुए हो तुम, रहा भी कुछ नहीं और गया भी कुछ नहीं। और अगर अभी भी जो आदमी गलती करके भी सीना चोरी करे, चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो बहुत लंबा नहीं चल सकता। तुम बच्चों को इमोशनल दिखा के बेवकूफ बना के जीत सकते हो, लेकिन हम सब बच्चे नहीं है, पालने में खेलते हुए लल्ला नहीं है जो हमें बेवकूफ बना लोगे कि तुम 90% दान करते हो।